बहुत दुख दर्द बा, उस सब हम बुझतानी कितना हमरा दर्द बा। हमार बेटा छोटा लेवल से उठत रहे तो उनको के कोई दबावे जान ना कुछ बोल सकते। हम लोगों ने अनेकों माओं का आंसू पोछा है, उम्मीद है कि बिहार में मेरे माँ के आंखों में भी आंसू नहीं आए। उन्होंने फेल है, आइए हमारे जो मनीष सर से है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, हमेशा जनता के लिए वह सच्चाई आवाज उठाता है। क्या आपको ये आतंकवादी लग रहे हैं? भाई तेजस्वी सरकार को तो ऐसा ही लग रहा है। 18 मार्च का ये वीडियो देखिए। इनको गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान और पुलिस का काफिला दिख रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी आतंकवादी को ले जाने आए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान और आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे माँ की कहानी जिसने अपने बेटे को सिर्फ इंसानियत और इंसानियत की मदद करना सिखाया है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही लाल वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको मनीष कश्यप की हर खबर का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक माँ से। ये तस्वीर उस बेबस माँ की है जिसने बॉर्डर पर हंसते हंसते पति को भेजा देश की सेवा के लिए और बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। लेकिन बेटे की रगों में माँ के साथ साथ पिता का भी वो खून दौड़ रहा था जो देश के दुश्मनों के लिए खौलता है। मनीष भी देश की सेवा करना चाहता था, फौजी बनकर नहीं, पत्रकार बनकर। देश के मुद्दों को उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ये उसका जुनून बन गया। गरीबों की और मजबूरों की मदद करते करते न जाने वो कब लाखों दिलों पर राज करने लगा, ये उसे पता भी न चला। तभी तो मनीष के जेल जाते ही लोगों की भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी यादव, यादव के नाम पे कलंक है, घोटाला करता है और क्या करता है, हम उसके यादव हैं, उसके विपक्ष हैं। मनीष कश्यप की माँ दर्द में है, इस माँ का कलेजा फट रहा है, बार बार दरवाजे पर दौड़ कर जाती है इस आस में कि शायद मेरे बेटे पर डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार पुलिस रहम कर देगी। और उसके कलेजे के टुकड़े को उसकी राह देखती माँ के पास उसे भेज दिया जाएगा। माँ बेबस और लाचार है, अपने आप को बार बार कोस रही है कि आखिर क्यों मनीष को भ्रष्टाचार और गलत करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए गरीबों मजदूरों की मदद करने की प्रेरणा दी। तभी तो मेरा बेटा आज जेल में है। मनीष की माँ कई रातों से सोई नहीं है, माँ को रह रह कर बेटे की चिंता सता रही है, क्योंकि किसी ने माँ तक ये खबर पहुँचा दी कि जेल में मनीष को मारा पीटा गया है। आखिर मनीष की माँ का ही तो दिल है, बेटे की चिंता में रात भर करवटे बदल बदल कर माँ रोती रही, भगवान से उसके घर लौटने की प्रार्थना करती रही। सन ऑफ बिहार की माँ के साथ साथ मनीष के चाहने वाले भी बहुत परेशान। मनीष ने जेल जाने से पहले कहा कि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो लड़ाई मेरी नहीं, मेरी माँ की नहीं, बिहार के हर बेटे की है जो अपनी माँ के लिए कुछ बनना चाहता है। मैंने अपने लिए लड़ाई थोड़ी लड़ा है, मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी लड़ा है, मैंने अपने पिताजी के लिए थोड़ी लड़ा है, अपने भाई के लिए थोड़ी लड़ा है, मैं लड़ाई लड़ा हूँ बिहार के लिए। मनीष जेल जाते हुए जब माँ को छोड़कर जा रहे थे तो काफी इमोशनल हो गए। ये तस्वीर देखकर आप भी रो पड़ेंगे। मनीष के साथ ही मनीष को हिम्मत दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि वो चिंता ना करें, वो उनके साथ है, उनके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। अब जरा आपको वो तस्वीर भी दिखाने जा रही हूँ जिसमें दूर दूर से फैंस मनीष कश्यप के लिए बेतिया पहुंच रहे हैं और बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है। मनीष के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर उनके फैंस क्या बोल रहे हैं आप भी जरा देखिए।
तेजस्वी जादव, जादव के नाम पे गोलांग के माधव घोटाला करता है और क्या करता है। हम उसके जादव हैं, उसके विपक्ष हैं। 180 दिन में सरकार गिरेगा, आप लिख लीजिए। मनीष कश्यप नहीं छूटते हैं, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अब जाते जाते एक सवाल, क्या एक पत्रकार हार गया अपनी लड़ाई? क्या एक माँ हार गई अपने उस जज्बे से, जिस जज्बे से उसने अपने बेटे को इंसानियत का पाठ पढ़ाया? और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी सरकार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए और मनीष कश्यप को रिहा कर देना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले जाएंगे तमिलनाडु और आपको बताएंगे कि वहाँ की पुलिस क्या कर रही है मनीष के खिलाफ और क्या है उनके खिलाफ चार्जशीट। जय हिंद।